तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अपने टेक ऑफिशियल ज्ञान। तो होप करता हूँ आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या एनआरआईज की वजह से हमारे इंडिया में कोरोना वायरस आया, क्या इस सब फसाद की जड़ क्या एनआरआईज हैं, क्या उन्हीं की वजह से हम लोगों को कोरोना वायरस हो रहा है, क्या वही सब इस जड़ का कारण है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में यही सब बात करने वाले। अगर आप अभी भी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ कर दे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो के लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है नई वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जब से कोरोना वायरस इंडिया में आया, सबसे ज़्यादा गालियाँ फ्रेंड्स एनआरआईज को पड़ी है। और फ्रेंड्स, एनआरआईज बेचारे जो शरीफ एनआरआईज है उनको भी फालतू गालियाँ पड़ रही हैं। जो फ्रेंड्स बुरे वाले एनआरआईज, मैं उनकी हरकतें बता देता हूँ। फ्रेंड्स, एयरपोर्ट में ज़्यादातर मतलब बुखार, खांसी, जुकाम चेक करा जाता है। फ्रेंड्स, बुखार ज़्यादातर चेक करा जाता है आदमी का टेम्परेचर क्या है उस टाइम पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आदमी प्लेन से चढ़ने पहले भैया पैरासीटामोल खा रहा है, उसका आधे घंटे में बुखार सही हो जा रहा है। जब वो एयरपोर्ट पे उतरता है तो उसका टेम्परेचर चेक करा जाता है, वो नॉर्मल होता है और उसको जाने दिया जाता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कोरोना वायरस को फैला रहे हैं। और फ्रेंड्स, कुछ शरीफ लोग हैं जो अपनी पूरे पॉजिटिव मतलब सॉरी नेगेटिव टेस्ट लेके आते हैं, कि उनको दिखाते हैं अपनी पूरी डिटेल्स, जो वहाँ पर डिपॉजिट करते हैं एयरपोर्ट पर, अगर उनको कुछ शक होता है तो उनको बुला लेते हैं। ये कुछ शरीफ एनआरआईज की हरकतें हैं। और कुछ बुरे वालों की तो मैंने बता दिया आपको कि बड़ी भैया मतलब कि पैरासीटामोल खा के मतलब प्लेन पे चढ़ते हैं और एयरपोर्ट आते हैं इंडिया पे, एयरपोर्ट पे उतरते हैं और उनका टेम्परेचर चेक करा जाता है, नॉर्मल निकलता है और वो आ जाते हैं। हम जैसे लोगों को अफेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ ऐसे मतलब कि उंगली मत उठाइए एनआरआईज पे। जो बेचारे शरीफ एनआरआईज हैं उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो सारे प्रिकॉशंस लेते हैं। अपने घर पे आने से पहले अपने आप को पूरी तरीके से सैनिटाइज कर देते हैं, और कुछ ऐसे मतलब लापरवाह वाले हैं आते हैं घुसे चले जाते हैं बिना किसी प्रिकॉशंस के। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों को तो फ्रेंड्स गालियाँ पड़नी ही चाहिए, लेकिन कुछ एनआरआईज फ्रेंड्स अच्छे भी हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए यही अच्छा होगा, प्लीज़ एनआरआईज को गाली मत दीजिए, क्या पता बेचारे शरीफ वाले भी गाली खा जाएँ। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल मत करिए। फ्रेंड्स, एनआरआईज की इसमें कोई गलती नहीं है, एनआरआईज की तो गलती है ही है फ्रेंड्स। कुछ लोगों की गलती है, कुछ लोगों की नहीं, जो प्रिकॉशंस लेते हैं उनकी गलती नहीं है, और जो फ्रेंड्स प्रिकॉशंस नहीं लेते उनकी गलती है। जैसे कि फ्रेंड्स, अभी कनिका कपूर को देख लीजिए आप, आए हमारे इंडिया में फैला दिया, लखनऊ और कानपुर को पूरा सैनिटाइज करना पड़ा है, 3-4 दिन के लिए कर्फ्यू लग चुका है। आप बताइए, ऐसे लोग हैं लापरवाह, अब बताइए अब क्या होगा, फैलेगा नहीं तो क्या होगा। कुछ लोग हैं जो फ्रेंड्स प्रिकॉशंस लेते हैं, अपने आप को अच्छे से साफ़ सुथरा सैनिटाइज करते हैं, उनको फ्रेंड्स आप प्लीज़ गाली मत दीजिए। एनआरआईज को फ्रेंड्स आप गाली मत दीजिए, आप एक एनआरआई को देंगे सब अपने आप को समझेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ ऐसा मत करिए, ये बिल्कुल गलत है। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे एनआरआईज अपने आप को सेव करने के लिए प्रिकॉशंस लेते हैं, और कुछ लापरवाह लोग हैं तो वो नहीं लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यही बताना था। फ्रेंड्स प्लीज़ गालियाँ मत दे एनआरआईज को, उनकी वजह से नहीं आया, मतलब कुछ की वजह से आया कुछ की वजह से नहीं आया। तो फ्रेंड्स, कुछ हैं जो अपने प्रिकॉशंस मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से निभाते हैं इंडिया में आने के पहले। और फ्रेंड्स, कुछ तो पैरासीटामोल वाले हैं उनको तो आप क्या कहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी इन भारत की सरकार से निवेदन है, फ्रेंड्स प्लीज़ उनका पूरी मतलब उनसे कह दीजिए कि आप अपनी पूरे रिपोर्ट टेस्ट कोरोना वायरस के वहाँ पे पहले डिपॉजिट करें, अदरवाइज़ आप उनको मत जाने दीजिए फ्रेंड्स, ये ज़रूर करिए। नहीं तो फ्रेंड्स, टेम्परेचर तो भैया उनके लिए पैरासीटामोल तो भगवान है, वो खा के चढ़ जाएंगे तब उतर जाएगा, आप सिंपली जाइए, आप नॉर्मल है, ऐसे थोड़ी ना होता है। पैरासीटामोल से भैया आप अब बच जाएंगे, हम जैसे लोगों को अफेक्टेड कर देंगे, ऐसे तो नहीं चलता है। जैसे कि कनिका कपूर आई थी यहीं लखनऊ के ताज होटल पे, उन्होंने रुका था, वहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी, वहाँ पे कई सेलिब्रिटीज़ और मतलब कि कई बड़े बड़े नेता गए थे। वो उनको भी डर है कि हमें ना कोरोना वायरस हो जाए तो पहले ही वो हो चुके हैं, पहले वो हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हैं कि हमको कोरोना वायरस तो नहीं है, ये होता है डर। और वो मतलब कि उन्होंने अपने आप को बिना सैनिटाइज करे इंडिया आ गई, और वो हर जगह गई, कानपुर और लखनऊ पूरा सैनिटाइज कर दिया गया है। चलिए आप बताइए, अब ये हैं लापरवाह, ऐसे लोग होते लापरवाह, एनआरआई को गाली दिया जा रहा है फालतू में।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यही बताना चाहा था। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कर दे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स NRI को फालतू में गाली मत दीजिएगा, बिना जड़ जाने और उसकी वजह जाने। फ्रेंड्स कुछ तो अच्छे होते हैं, कुछ वही पैरासीटामोल वाले होते हैं। फ्रेंड्स आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन बाय बाय।